भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज की हेल्थ को लेकर काफी बड़ा अपडेट सामने आया है। शुभमन गिल घटती प्लेटलेट्स की वजह से अस्पताल में भर्ती तो हुए थे, लेकिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। लेकिन कब तक वह भारतीय टीम में वापसी करेंगे, क्या इस वर्ल्ड कप में उनकी वापसी होगी भी या नहीं, या उनकी जगह किस खिलाड़ी को टीम में मिल सकती है, जगह खुद टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इस बात का खुलासा किया है। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर। लेकिन अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से वह 8 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मुकाबले में नहीं खेली। लेकिन उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट अब सामने आया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल से अब उन्हें छुट्टी भी मिल चुकी है। लेकिन डॉक्टर की तरफ से अभी शुभमन गिल की वापसी की कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी परेशानी में रिकवरी में टाइम लगता है, और कब तक शुभमन गिल टीम इंडिया में वापसी करेंगे इस बात का अंदेशा अभी किसी को भी नहीं है। लेकिन आपको बता दे कि टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने इस बीच बात करी। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल की तबीयत में पहले से इजाफा है, लेकिन टीम में वापसी कब तक करेंगे इस बात को कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी उन्हें रिकवरी में समय लग सकता है। उनके प्लेटलेट्स काफी कम हो चुकी थी, लेकिन अब रिकवरी भी हो रही है। इसके आगे राहुल द्रविड़ ने कहा, अगर ज्यादा लंबे समय तक शुभमन गिल टीम में वापसी नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनका प्रदर्शन पीछे भारतीय टीम के लिए शानदार रहा है। जबकि ओपनर के तौर पर ईशान किशन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 रन बनाए थे। इस तरह से दिया कि यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में खिलाया जा सकता है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल की जगह किसे टीम में शामिल करना चाहिए, यशस्वी जायसवाल या फिर शिखर धवन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।